तो स्वागत है आपका भेरू.com और SBCN टाइम्स में। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। विधानसभा चुनाव को लेकर जो है सभी राजनीतिक पार्टियां अब एक्शन मोड में आ चुकी है। वहीं आज जो है आचार संहिता लगने की संभावना जताई जा रही है। 12 बजे चुनाव आयोग की निर्वाचन आयोग की आज बैठक होनी है और आचार संहिता लगने वाली है। बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की अभी तक 2 सूचियाँ जारी हो चुकी है, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री और सांसदों को भी जो है इस बार विधानसभा में जो है उम्मीदवार बनाया गया है। सूची में जो है बड़े बड़े नेताओं के भी नाम इस बार देखने को मिले हैं। फिलहाल अभी कांग्रेस की तरफ से एक भी विधानसभा चुनाव के दावेदारों की सूची जारी नहीं हुई है। सभी की नज़र जो है कांग्रेस की पहली सूची पर टिकी हुई है। वहीं बात की जाए तो 2 दिन पहले कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की एक बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वहीं कांग्रेस के बड़े नेता बात करें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के कमलनाथ सहित बड़े बड़े नेता जो है इस बैठक में शामिल हुए थे और कई घंटे तक ये जो है बैठक चली थी और स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक थी। बैठक के बाद जो है कमलनाथ ने जो है मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि इस बैठक को जो है विधानसभा चुनाव के दावेदारों के संबंध में रखी गई थी। इसमें जो है लगभग 140 जो विधानसभा सीटें हैं इनकी जो दावेदार हैं इनको लेकर चर्चा की गई। तो 140 विधानसभा सीटों की जो है सूची जो है कांग्रेस की जो पहली सूची जो है 140 के लगभग बनने जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं 140 जो विधानसभा सीटें हैं उस पर चर्चा की गई है। तो वहीं अब जल्द ही ये सूची जारी हो जाएगी। तो अब इसको लेकर नीमच जिले की बात करें तो नीमच जिले में भी तीन विधानसभा आती है, जहाँ पर तीनों में जो है कांग्रेस की जो पहली सूची आने वाली है इसमें नाम आने की संभावनाएँ जताई जा रही है। वहीं अब जो भोपाल से हमें सूत्र मिल रहे हैं किनके जो हैं संभावित तय नाम बताए जा रहे हैं उनको लेकर हम चर्चा कर लेते हैं। बात करें मनासा विधानसभा की तो मनासा विधानसभा से कांग्रेस के जो प्रबल दावेदारों की बात करें तो 2 नाम निकलकर सामने आते हैं। बात करें पहले नाम की तो पहला नाम आता है नरेंद्र नाहटा, तो वहीं दूसरा नाम मंगेश संगाई का निकल कर आता है। तो वहीं दोनों अपने आप में प्रबल दावेदार है और कांग्रेस की राजनीति में काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं, लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं उसमें नरेंद्र नाहटा का टिकट जो है लगभग तय होना बताया जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र नाहटा जो है लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय है। मनासा में विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस शासन में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, तो काफ़ी अनुभव जो है कांग्रेस शासन में इनको रहा है। तो वहीं कांग्रेस इस बार जो मूड में है, कांग्रेस इस बार जो है चुनाव जीतने के मूड में है और जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट देने के मूड में है। ऐसे में मनासा विधानसभा से नरेंद्र नाहटा का टिकट फाइनल माना जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र नाहटा जो है पूर्व में नरेंद्र नाहटा की अगर राजनीतिक विषय पर अगर अपन बात करें तो वे दिग्विजय सिंह खेमे के माने जाते हैं और वहीं अभी कमलनाथ खेमे के भी वे काफ़ी खास माने जाते हैं। तो ऐसे में मनासा विधानसभा से जो लगभग तय टिकट माना जा रहा है संभावित, वे नरेंद्र नाहटा का माना जा रहा है। वहीं अब नीमच विधानसभा की अगर बात करें तो नीमच विधानसभा में भी बात करें तो 2 कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के नाम निकलकर सामने आते हैं, जिसमें पहला नाम उमराव सिंह गुजर तो वहीं दूसरा नाम तरुण बाहेती का निकल कर आता है। दोनों ही कांग्रेस के मजे हुए कांग्रेस नेता माने जाते हैं, दोनों काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हैं। तो वहीं अब संभावित जो तय नाम जो सूत्र बता रहे हैं उसमें उमराव सिंह गुजर का जो है टिकट फाइनल बताया जा रहा है, क्योंकि उमराव सिंह गुजर जो हैं वे कमलनाथ के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हैं और तमाम जो क्षेत्र में अभी सर्वे करवाए गए तो कहीं ना कहीं पहली पसंद जो कांग्रेस के दावेदार में बनी तो कहीं ना कहीं उमराव सिंह गुजर की बनती हुई नजर आई। तो ऐसे में कांग्रेस जो संभावित तय नाम नीमच विधानसभा से निकल कर आ रहा है तो वे उमराव सिंह गुजर का माना जा रहा है। वहीं अब जावद विधानसभा की बात करें तो जावद विधानसभा में भी कांग्रेस के कई दावेदार हैं, लेकिन जो प्रबल दावेदार हैं उनकी अगर हम बात करें तो जो नाम निकल कर आता है वे समंदर पटेल और राजकुमार अहीर आता है। दोनों का जो राजनीतिक करियर रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। राजकुमार जो है लंबे समय से जावद विधानसभा की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और पिछला चुनाव जो था उनका वे जो हार जीत का रेशो रहा था वे 5,000 वोटों से कम कर रहा था। ऐसे में जब कांग्रेस ने जो है चुनाव को लेकर ये भी जारी किया था कि जो हमारा पुराना जो कैंडिडेट है अगर वे 5,000 कम वोटों से अगर उसकी हार जीत हुई है तो कांग्रेस ऐसे जो भी उनके प्रत्याशी थे उन्हें रिपीट करेगी। हालांकि यहाँ पर जो है इसका उलट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के जो समंदर पटेल हैं उनका टिकट जो है यहाँ से लगभग तय माना जा रहा है, इसको लेकर अगर बात करें तो समंदर पटेल जो है शुरू से कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रहे, बीच में वे भारतीय जनता पार्टी में चले गए और वापस जब वे कांग्रेस में आए तो इस दौरान जो राजनीतिक दृश्य देखने को मिला वे काफ़ी हटके देखने को मिला, क्योंकि जब कांग्रेस की जब सदस्यता समंदर पटेल ने ली तो वे अपने विधानसभा क्षेत्र से हजारों लोगों के काफिले के साथ कांग्रेस के कार्यालय भोपाल पहुंचे थे और उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। तो कांग्रेस की राजनीति में कहीं ना कहीं ऐसा पहली बार देखने को मिला कि कोई
नेता अपने इतने बड़े काफिले के साथ जो है भोपाल पहुंचा हो और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की हो, तो उस जो ये पूरा राजनीतिक दृश्य रहा, ऐसे में जो समंदर पटेल का जो राजनीतिक ग्राफ था वे काफ़ी उसी समय से ऊंचाइयां छू चुका था, क्योंकि कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता थे कहीं ना कहीं समंदर पटेल उसी समय से सभी बड़े नेताओं की आंखों में आ गए थे, क्योंकि इतने बड़े काफिले के साथ भोपाल जाना और सदस्यता ग्रहण करना, ऐसे में उस समय से ही समंदर पटेल का जाओ विधानसभा में टिकट फाइनल माना जा रहा था। और अभी भी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं समंदर पटेल का जो है जाओ विधानसभा से टिकट फाइनल लगभग संभावित तय माना जा रहा है। ये हमने तीनों विधानसभाओं को लेकर कांग्रेस के प्रत्याशियों की बात करी, जिसमें जो हमारे सूत्र बताते हैं संभावित तीनों विधानसभाओं के जो हमारे संभावित नाम थे वे हमने आपसे साझा करें। वहीं अब नीमच जिले के भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर तीनों विधानसभा में गढ़ रहा है, लंबे समय से यहाँ पर भाजपा का कब्जा रहा है। वहीं अब हम बात करें नीमच विधानसभा की, तो नीमच विधानसभा में जो हमें सूत्र बता रहे हैं उसमें नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में अब नया नाम जो निकल कर आ रहा है, इसमें कई नाम है लेकिन जो पहले पायदान पर जो नाम निकल के आ रहा है जो काफ़ी प्रबल माना जा रहा है वह पवन पाटीदार का माना जा रहा है, जो भी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है। तो ऐसे में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी नीमच से पवन पाटीदार को प्रत्याशी के रूप में खड़ा करे, तो कहीं ना कहीं इस बार जो है नीमच से जो है टिकट बदलने की पूरी संभावना है और जो पहला टिकट जो कटना है वह नीमच का बताया जा रहा है। वहीं बात करें मनासा विधानसभा की, तो मनासा विधानसभा में अभी जो वर्तमान विधायक है अनिरुद्ध माधव मारू, उनका टिकट लगभग वहाँ से तय माना जा रहा है। वहीं से वहाँ पर एक और नाम जो प्रबल दावेदार के रूप में सामने आ रहा है वह कैलाश चावला का आ रहा है। कैलाश चावला भी जो है बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में काफ़ी लंबे समय से सक्रिय रहे हुए हैं, पूर्व में मंत्री रहे हुए हैं और अभी भी जो है विधानसभा में अगर बात करें तो लोगों की पसंद बने हुए हैं। हालांकि जो टिकट फाइनल जो संभावित नाम में आ रहा है वह अनिरुद्ध माधव मारू का ही आ रहा है। वहीं अब जावद विधानसभा की बात करें तो जावद विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी से दो प्रबल दावेदारों के नाम निकल कर सामने आते हैं। पहला नाम जो है यहाँ के विधायक और मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री है ओम प्रकाश सकलेचा, तो वहीं दूसरा नाम जो है वह पूरणमल अहिर का निकल कर सामने आता है। दोनों ही जो है अपने क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं। वहीं जो यहाँ पर अगर बात करें जो संभावित तय नाम जो निकल कर आ रहा है वे यहाँ के विधायक जो विधायक है अभी और कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन में ओम प्रकाश सकलेचा का टिकट लगभग तय माना जा रहा है। वहीं पूरणमल अहिर को जो है इस बार शायद टिकट जो है नहीं मिलेगा, क्योंकि वापस यहाँ पर जो है भाजपा जो है टिकट रिपीट कर रही है। ऐसे में पूरणमल अहिर जो है राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं और इस बार उनका निर्दलीय चुनाव लड़ना भी लगभग तय माना जा रहा है। तो ऐसे में जावद विधानसभा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। तो हमने आपसे तीनों विधानसभाओं को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा करी, सभी दावेदारों के बारे में आपको बताया, जो हमारे सूत्र संभावित दावेदारों के नाम बता रहे हैं वे हमने आपसे साझा करें। तो अब हम आपको जो तीनों विधानसभा के दावेदार थे वे हमने आपसे साझा करें। अभी भी अगर हमसे कोई ऐसा योग्य उम्मीदवार अगर हमसे छूट रहा हो और आपको ऐसा लगता हो कि नहीं ये योग्य उम्मीदवार है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि भाई कौन ऐसा योग्य उम्मीदवार है जो हमारी सूची से अभी भी बाहर है और हमारे सूत्र जो है गलत हैं, वे आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और साथ में कारण भी बताएं कि आखिर उम्मीदवार क्यों योग्य हैं। तो आगे के चुनावी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे भेरू.com और SBCN टाइम्स के साथ, मैं आकाश श्रीवास्तव।